अम्मी अम्मी, अरे कहाँ हैं आप? क्या हो गया? खैरियत है? दिन की रोशनी में तुम्हें घर की याद कैसे आ गई? अरे अम्मी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। प्रोड्यूसर ने कल बुलाया है। कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म का कोई एडवांस चेक दे दिया। वो भी मिल जाएगा। बट साहब का बुलाना ही बहुत बड़ी बात है अम्मी। कौन भट्ट साहब? एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, पहले लाहौर में फिल्में बनाया करते थे, यहाँ काम कर रहे हैं। मेरी पिक्चर्स और वीडियोस उनको इतनी पसंद आई हैं, कल मीटिंग के लिए बुलाया है। आप लोग तो कभी खुश ही नहीं होते। इससे बेहतर तो मेरे दोस्त हैं, पता है उधर भंगड़े डाल रहे हैं। उन्होंने तो दिमाग खराब किया है तुम्हारा। ऐसे दर्जनों प्रोड्यूसर से मिल चुके हो, आज तक मीटिंग से आगे बात तो बढ़ी नहीं तुम्हारी शान। अब बढ़ जाएगी, हौसला ना देना कभी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रहना। शानी बेटे, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे शौक से रोकती नहीं हूँ, लेकिन ये एक्टिंग एक्टिंग की शौक की हद तक ठीक है। अब कोई काम धंधा शुरू करो, आखिर कब तक तुम लोगों को मैं पालती रहूं? लो जी, यहाँ तो ताने शुरू हो गए। आपने कौन सा पहाड़ तोड़ के हमें खिला दिया? वो तो बाबा की दुकान का पैसा जो हर महीने हमें बैंक से मिल जाता है। सही तो कह रही हो, शुक्र है बाबा की दुकान थी। मम्मा जेल में अयाशा कर रहे हैं और हम यहाँ फाके काट रहे होते। जेल में कोई अयाशी नहीं करता शानी, सोच समझ कर बोला कर। तो फिर क्या जरूरत थी किसी की जान लेने की? बेचारे को भी जीने देते तो भी अपना स्टोर चलाते। सब छोड़ो इन बातों को, तो मुझे मार्केट ले जाओगे? ना चश्मा बनवाना है सोच रही हूँ, नजरें भी चेक करा लूँ, पढ़ाई नहीं जाता अब तो कुछ। बहुत जरूरी है तो ले चलता हूँ। जरूरी ही है, कल को तो तुम जब इतने सुपरस्टार बन जाओगे तो हाथ नहीं आओगे मेरे। तभी खुश नहीं हो ना अम्मी। चलें, ले चलता हूँ। चादर लेके आ रही हूँ।